बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया जमाल है और आज ये मेरा उर्दू का 14वां लेक्चर है। आज जो हमारा उनवान है वो है मज़मून वालिदैन की खिदमत या इताअत या वालिदैन की खिदमत। वालिदैन की खिदमत, जिनसे माँ बाप खुश नहीं होते वो कभी चैन से नहीं सोते। हम यहाँ ज़िंदगी की खेती में काटते हैं वही जो हैं बोते। सुर्खियाँ, सबसे पहले आना है परवरिश, फिर वालिदैन के फ़राइज़, फिर बुढ़ापे का सहारा, फिर अल्लाह का हुक्म, फिर बुज़ुर्गों का मामूल, फिर परवरिश की मुश्किलात, फिर अमली ज़िंदगी में कदम, फिर औलाद के फ़राइज़, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, फिर खिदमत का सिला। तो सबसे पहले आप लोगों ने परवरिश पॉइंट आ रहा है। हर इंसान की पैदाइश इसके वालिदैन के होने में नत है, पैदाइश के बाद वालिदैन इसकी परवरिश करते हैं। अगला पॉइंट है परवरिश की मुश्किलात। परवरिश के लिए मुशक्क़त, अज़ियत, वक्त और बेदेख अखराजात का मुतहम्मल सवाए वालिदैन के और कोई नहीं हो सकता। फिर वालिदैन के फ़राइज़, इसी तरह अमली ज़िंदगी में कदम, फिर बुढ़ापे का सहारा, फिर औलाद के फ़राइज़, फिर अल्लाह का हुक्म, उसके बाद बुज़ुर्गों का मामूल, फिर परवरिश की मुश्किलात, फिर अमली ज़िंदगी में कदम, फिर औलाद के फ़राइज़, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, फिर खिदमत का सिला। आप लोग इसी तरह पॉइंट के साथ मज़मून को जो है ना याद करें और इसको अच्छी तरह देखें और उसको याद करें। और इसके साथ आप लोग एक कहानी है गुरूर का सर नीचा, वो कहानी भी आप लोग याद करें। ये दोनों चीज़ें। शुक्रिया।